स्वागत है आपका आपके हमारे इस नए ब्लॉग वीडियो पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं। तो हम अपने वीडियोस अपने शहर के स्टेशन पर जाकर अपलोड करते हैं, वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट करके फिर हम वीडियो अपना अपलोड करते हैं, क्योंकि वहाँ का इंटरनेट स्पीड जो होता है बहुत हाई होता है, तो वीडियो अपलोडिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम अपने जो है वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। सो आप लोग इसी के साथ हमारे वीडियो साथ बने रहिए। तो आज के हम अपने इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और रेडी होते हैं और चलते हैं फिर स्टेशन पे, आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा ही रूम है और मैं सुल्तानपुर के शहर में अभी आया हूँ। हमको 3 दिन हुए हैं यहाँ पर आए, तो मैंने चूँकि दिन भर की सारी अकेले ही रूम पर रहते हैं और कोई आसपास में कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है, तो रूम पे अकेले रहने में आप लोग समझ सकते हैं कितनी दिक्कत होती है। सो अब हम निकलने चल रहे हैं घूमने के लिए और इसी के साथ हम अपना वीडियो भी अपलोड करते हैं। ठीक, तो हमें सैनिटाइजर वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी है, चूँकि कोरोना काल के समय में बाहर निकलने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, और चूँकि ठंड का मौसम है इसलिए हमको, आप लोग देख रहे हैं, स्वेटर पहना हुआ हूँ पहले से और एक कान में बांधने के लिए ले लेता हूँ, चूँकि आते समय काफ़ी अंधेरा हो जाता है। सो आपको चलते हैं, ले चलते हैं। फोन को सेट करता हूं कहां पर, स्टैंड पे अपने फोन को हम सेट करते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं स्टेशन की तरफ। ठीक, निकल चुके हैं, ये रहा हमारा रूम, हमने अपने रूम में ताला वाला लगा दिया है सब, और अब हम चलते हैं स्टेशन की तरफ और आपको दिखाते हैं स्टेशन का कुछ दृश्य नजारा, जो कि आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा। और आपको हम रास्ते के कुछ दुकानें दिखाएंगे अपने सुल्तानपुर के, हम सुल्तानपुर के इस करौंदिया वाले मोहल्ले में रहते हैं और आपको दिखाते हैं फिर से कुछ अलग। ठीक, हेलो गाइस, तो फाइनली हम स्टेशन के करीब पहुंच चुके हैं। जो आपको बगल में बाउंड्री दिख रही है, ये स्टेशन की बाउंड्री है और हम आपको स्टेशन के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मीटर के आगे स्टेशन है, जो आपके सामने ऑटो दिख रहा है इसी के बगल में ही जैसे स्टेशन है। स्टेशन की टंकी भी आपको शायद दिख रही होगी, ये सामने एक गाय दिख रही है हमको, स्टेशन की टंकी वो ऊपर लगी हुई है, जो स्टेशन के बगल में ही जस्ट स्टेशन है। तो आगे हम आपको दिखाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि स्टेशन के हम वाईफाई को कैसे कनेक्ट करते हैं और फिर आगे कैसे यूज़ करते हैं उसके डाटा को, और वीडियो अपलोड कैसे करता हूँ मैं यूट्यूब पे।
सारी वीडियोस आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। सो आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। बहुत सारी सीटें दिख रही हैं हमको, तो चलिए हम किसी सीट पर बैठते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। तो मैं ये सीट देख रहा हूँ, मैं इस सीट पर बैठ जा रहा हूँ 124 पर। आप लोग हमारे स्टेशन का नज़ारा देखिए, ये हमारा स्टेशन है। एक मालगाड़ी जा चुकी है, उधर से एक भाई जो आ रहे हैं। ये सुल्तानपुर का एक छोटा सा स्टेशन है, इस पर बहुत सारे ट्रेन तो नहीं आती हैं, बट अपने आप में भी एक स्टेशन होता है ये। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपने वाईफाई ऑन किया हुआ है और यहाँ पर आया हुआ है रेल वायर वाईफाई। तो हम जैसा कि रेल वायर वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टेड हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि इस रेल वायर वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए हमको अपना नंबर साइन इन करना होता है, जिसके लिए ब्राउज़र ओपन हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम इस ब्राउज़र में ये है कि इसमें वाईफाई की इंटरनेट शो नहीं करती। सो मैं इसको कॉपी करके अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करता हूँ। फाइनली मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ चुका हूं और अब सर्च करने वाला हूं वो रेल वायर वाईफाई के साइन इन के लिए। तो जैसा कि ये पेज ओपन हो चुका है तो फाइनली देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल स्क्रीन पर साइन इन का ऑप्शन आ चुका है और अब मैं इसको साइन इन करने वाला हूँ। एक OTP जाता है फ़ोन पर, अब उस OTP को यहाँ पर हमको इंटर करना है। 3090 हमारा OTP आ चुका है। ठीक, हम OTP डाल चुके हैं और हमारा ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो आगे हम आपको यहाँ पर हमको एक घंटे के लिए इंटरनेट मिलता है, आप इसे अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क स्पीड बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। सो गाइस आप हमारे इस ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइस मैंने वीडियो को अपलोडिंग पर लगा दिया है, चूँकि नेट बहुत फास्ट चल रहा है तो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में सारे वीडियोज़ हमारे, यानी 3 वीडियोज़ हैं, वो अपलोड हो जाएंगे। और फिर आपको हम चलिए अब स्टेशन के मेन गेट का सफ़र कराते हैं, कैसा रहता है हमारा स्टेशन का मेन गेट। तो आप हमारे साथ ब्लॉग पर बने रहिए, आपको दिखाते हैं हम स्टेशन का मेन गेट। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आपको अपने सुल्तानपुर का स्टेशन का दर्शन कराया, अपने सुल्तानपुर का स्टेशन का पश्चिमी से लेकर पूर्वी गेट तक घुमाया। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप हमको बताएंगे कमेंट में कि आपको हमारा स्टेशन कैसा लगा। और इसी के साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, कंटिन्यू आगे चलते हैं। चलते हैं अब हम अपने रूम पर। थोड़ी देर आराम, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, स्टेशन से आ रहे हैं। तो अपने रूम का ताला खोलते हैं और फिर कुछ देर हम करते हैं अभी रेस्ट, क्योंकि हम बहुत ही थक चुके हैं। उसके बाद फिर स्टडी वगैरह होगी और खाना वगैरह बनेगा फिर खाने के लिए। ठीक है, लॉकर खुल चुका है, अंदर प्रवेश करते हैं। ये रहा हमारा रूम। फाइनली हम अपने रूम पर पहुंच चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारे सुल्तानपुर का स्टेशन कैसा लगा और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को अपने एंड करते हैं, और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद।